नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों को कमेंट आया था कि 15,000 के रेंज में बेस्ट कैमरा फ़ोन को बताइए। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा, 15,000 के रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, जो कि इसमें से कुछ स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर हमने रखा है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बात करें इसके डिज़ाइन की तो इसकी बॉडी पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है, लेकिन बैक पैनल ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। इस फ़ोन में एक साथ दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। देखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। अब बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसमें 6.6 इंच फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉइस के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, साथ में LED फ्लैश दिया गया है। इस कैमरे से फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, इससे फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे आप सबको पता ही होगा सैमसंग के फ़ोन में कैमरा बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 750G 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। इसमें 5G के 6-7 बैंड दिए गए हैं। यह एंड्रॉयड 12 पर रन करता है। इसमें 5000 mAh बैटरी दिया गया है और इसी को चार्ज करने के लिए 25W का चार्जर दिया गया है। यह 4GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ 15,999 रुपये और 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ 16,999 रुपये है, लेकिन यह ऑफ़र में 15,000 से कम की प्राइस में मिल जाता है। टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगला फ़ोन है वीवो T1 5G। इसकी बॉडी पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है। इसमें 6.58 इंच फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले वी नॉच के साथ दिया गया है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और मैक्सिमम 600 की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा LED फ्लैश के साथ दिया गया है। इस कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा वी नॉच के साथ दिया गया है, इससे फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है, जो एक 5G प्रोसेसर है। यह एंड्रॉयड 12 पर रन करता है। इसमें 5G के 2 बैंड दिए गए हैं। इसमें सिंगल मोनो स्पीकर, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, यानी कि एक साथ दो सिम या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। 4GB तक वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। इसमें 5000 mAh बैटरी के साथ 18W का फास्ट चार्जर दिया गया है। यह 4GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ 15,999 रुपये है। अगला फ़ोन है रेडमी नोट 11S 4G। इसमें 6.43 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पंचोल के साथ दिया गया है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और मैक्सिमम 1000 nits की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। इसका बैक पैनल ग्लास और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। अब बात करें इसके कैमरे की तो इसके बैग में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है। इस कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा अच्छा दिया गया है, इस कैमरे से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। वहीं सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा पंचोल के साथ दिया गया है, इससे फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें मीडियाटेक हीलियो G96 प्रोसेसर दिया गया है, जो एक 4G प्रोसेसर है। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और ट्रिपल सिम स्लॉट दिया गया है, यानी एक साथ दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसमें 5GB तक वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं।
इसमें 5000 mAh बैटरी के साथ 33 W का चार्जर दिया गया है। यह 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ 16,499 रुपये है, लेकिन यह ऑफ़र में 15,000 से कम की प्राइस में मिल जाता है। अगला फ़ोन है पोको M4 Pro 5G। इसमें 6.6 इंच फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले पंचोल के साथ दिया गया है। इसमें 90 Hz रिफ्रेश रेट और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कोलिंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। इसके बैग में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 MP का प्राइमरी कैमरा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, साथ में LED फ्लैश दिया गया है। इस कैमरे से फुल HD और HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं सेल्फी के लिए 16 MP कैमरा पंचोल के साथ दिया गया है, इससे फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा बहुत अच्छा दिया गया है। अब बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 5G के 7 बैंड दिए गए हैं। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट यानी 1 साथ 2 सिम या 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। इसके साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर दिया गया है। अब बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें 5000 mAh बैटरी के साथ 33 W का फास्ट चार्जर दिया गया है। यह 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ 14,999 रुपये है। अभी हमने 15,000 के रेंज में बेस्ट कैमरा फ़ोन के बारे में बताया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।